हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त सियासी गहमागहमी देखने को मिल रही है। चुनाव से ठीक पहले अलग अलग ओपिनियन पोल और सर्वे सामने आ रहे हैं। इस बीच हरियाणा को लेकर एक सबसे ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है। टाइम्स नाउ, नव भारत और मेटराइज के इस पोल के नतीजे चौंकाने वाले हैं। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 36 से 41 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीजेपी को 33 से 38 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा जेजेपी को 2 से 5 और अन्य के खाते में 6 से 11 सीटें जा सकती है। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत है। टाइम्स नाउ, नव भारत और मेटराइज के ओपिनियन पोल के मुताबिक वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 32.4% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को सबसे ज्यादा 35.6% वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा जेजेपी को 8.8% और अन्य के खाते में 23.2% वोट जा सकते हैं। इससे कुछ दिन पहले हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों को लेकर सामने आए टाइम्स नाउ, नव भारत और मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 37 से 42 सीटें मिलने का अनुमान था, जबकि कांग्रेस को 33 से 38 सीटें जीतते हुए दिखाया गया था। इसके अलावा जेजेपी को 3 से 8 और अन्य के खाते में 7 से 12 सीटें जाने का आंकड़ा सामने आया था। टाइम्स नाउ, नव भारत और मेट्राइज के पिछले ओपिनियन पोल के मुताबिक वोट प्रतिशत की बात करें तो उसमें बताया गया था कि बीजेपी को सबसे ज्यादा 35.2% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 31.6% वोट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा जेजेपी की झोली में 12.4% वोट जा सकते हैं, जबकि अन्य को 20.8% वोट मिल सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो पिछले और अभी के सर्वे में ज्यादा अंतर नहीं है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की कुछ सीटें घटी हैं और जेजेपी की कुछ सीटें बढ़ी है। इसके अलावा करीब 9 से 10 दिन पहले लोकपोल ने हरियाणा को लेकर सबसे ताजा और चौंकाने वाला मेगा प्री पोल सर्वे जारी किया था। लोकपोल के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस को बंपर 58 से 65 सीटें मिल सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 20 से 29 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं 3 से 5 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 46 से 48% वोट मिलने का अनुमान था, जबकि बीजेपी को 35 से 37% वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा अन्य के खाते में 7 से 8% वोट जा सकते हैं। आपको बता दें कि लोकपोल ने अपने इस मेगा प्री पोल सर्वे का सैंपल साइज 67,500 रखा था, जिसके आधार पर ये आंकड़े सामने आए। पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम की बात करें तो 2019 में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 40 सीटें जीतकर गठबंधन की सरकार बनाई थी। कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थी, जेजेपी ने 10 और INLD ने 1 सीट जीती थी। इसके अलावा अन्य के खाते में 8 सीटें गई थी। पिछले चुनाव के वोट प्रतिशत की बात करें तो 2019 में बीजेपी को 37% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 28% वोट मिले थे। इसके अलावा जेजेपी को 15%, INLD को 2% और अन्य के खाते में 18% वोट गए थे। बीते दिनों सामने आई इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे की रिपोर्ट भी चौंकाने वाली थी। MOTN के सर्वे के मुताबिक हरियाणा के 27% लोगों का कहना है कि वो सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, जबकि 44% लोगों का कहना है कि वो सरकार के काम से असंतुष्ट हैं। साथ ही 25% लोग कुछ हद तक सरकार के कामकाज से खुश हैं। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में मुख्यमंत्री के प्रदर्शन से जुड़ा सवाल पूछा गया तो 22% लोग ही CM सैनी के प्रदर्शन से संतुष्ट नजर आए, जबकि 40% लोगों ने कहा कि वो मुख्यमंत्री के काम से संतुष्ट नहीं है। 19% लोग ऐसे हैं जो CM के काम से कुछ हद तक संतुष्ट हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटों में से 5 बीजेपी ने और 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जिसके बाद से कांग्रेस जोश में है। इस बार हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएंगे।